लालू यादव के दुलारे साले साहब और पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव पर धमकाने और जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं। दरअसल आरोप बीटा प्रखंड के नेवरा ओपी बेला पंचायत के रहने वाले भीम वर्मा ने बीटा थाना में 7 कट्ठा जमीन की खरीदारी को लेकर यह मामला दर्ज करवाया। मामले में सुभाष यादव सहित 7 लोग और भी शामिल हैं। बता दें, शिकायतकर्ता ने धोखाधड़ी, रंगदारी और अपहरण करने का प्रयास सहित कई संगीन आरोप लगाए। रिपोर्ट में सुभाष यादव सहित उनकी पत्नी और बेटे भी शामिल हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए बीटा के थाना अध्यक्ष प्रमोद कुमार ने बताया कि भीम वर्मा नाम के एक युवक ने यह आवेदन किया है, जिसमें पीड़ित भीम वर्मा का कहना है कि पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव की पत्नी को उन्होंने 7 कट्ठा जमीन 96 लाख रुपए में बेचा था। जमीन बेचने के दूसरे ही दिन पूर्व राज्यसभा सांसद ने सुभाष यादव की माँ और उनके भाई को घर बुलाया और बुलाने के बाद उन्हें बंधक बना लिया। इसके बाद उन्होंने सुभाष यादव से 60,50,000 रुपए वापस मंगाए, ये कहकर कि वो जमीन नहीं लेना चाहते और उनका पैसा वापस कर दिया जाए। सुभाष यादव ने जब उन्हें पैसा वापस कर दिया तब वो जमीन वापस करने से भी अब इनकार कर रहे हैं। सुभाष यादव का कहना है कि जमीन वापस मांगने पर वो जान से मारने की धमकी देते हैं और कहते हैं जो करना है कर। गोली मरवाने का धमकी आ रहा है और हम पे अटैक भी हो चुका है गाँव कहीं, अरुण कुमार अटैक किया था। फर्जीवाड़ा करके जो सुभाष यादव ने वो पैसा लिया? जी सर, फर्जीवाड़ा करके ही हमसे पैसा लिया था। अभी आप थाने में क्यों आए? थाने में आए एफआईआर के लिए, मुख्यमंत्री जी से मिले थे, उसके बाद डीएम सर को भेजे, डीएम सर एसपी सर को भेजे, तो कार्रवाई और जांच करके रिपोर्ट भेजा गया था। उसके बाद में डीएम सर से मिले, उसके बाद एसपी सर को भेजे और आज कल 4 तारीख को ही एफआईआर दर्ज हुआ। इस मामले में वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर बीटा थाना में थाना अध्यक्ष ने सुभाष यादव सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पीड़ित भीमा वर्मा इस मामले को लेकर पटना जिला अधिकारी के अलावा मुख्यमंत्री के जनता दरबार तक गए थे। आदेश मिलने के बाद ये मामला दर्ज किया गया। अब वरीय अधिकारी के निर्देश पर बीटा थाना में लालू प्रसाद यादव के साला सुभाष यादव सहित 7 लोगों के खिलाफ रंगदारी और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। FIR दर्ज हुआ है और इस कांड का अनुसंधान किया जा रहा है। कितने लोग आरोपी इसमें बनाए गए हैं? कुल 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है और उसमें जांच में जो बात आएगी वो की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में भी गए थे और वहां से भी कुछ निर्देश प्राप्त हुआ था और उसी के अनुसार इनका कुछ निर्देश प्राप्त हुआ, तो उसमें जो लीगल चीज है वो हम लोग इसमें कर रहे हैं। फिलहाल आवेदन के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है और नेवरा ओपी थाना अध्यक्ष प्रभा कुमारी के मामले की जांच का जिम्मा दिया गया है। जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। मनोज कुमार सिंह की रिपोर्ट, बिहार तक।